प्रवाहित हो रहा है। आज भारतवर्ष के बाहर भी देश विदेश के लोग सोच रहे हैं, क्या ये विचित्र सी बात है कि एक शलिल के ऊपर, एक जल के ऊपर इतने भारतवर्षी उतावले हो रहे हैं, और कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या बना रखा, क्या क्या करते हैं। करोड़ों करोड़ों जनता आज उस पर्व के ऊपर उपस्थित होकर रही है। ये जो है देश विदेश में सब लोग उसको आजकल इसको बड़े आश्चर्य की दृष्टि से लोग जो है देख रहे हैं और सोच रहे हैं क्या है। आ भी रहे हैं तमाम लोग, आकर के लोग सब लोग और सब कुछ देख रहे हैं। मीडिया फीडिया अनेक प्रकार के रूप से तमाम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो देखो, आप लोग प्रयागराज में हो, आप प्रयागराज ये तीर्थ राज है, तीर्थ लोग सब प्रयाग में अब संक्रांति से लेकर के और ये सब चलते हैं। यहाँ महापर्व में भगवान राम की कथा रामरस, भगवान श्री राम जी के दिव्य कथा रस का आप लोग पान कर रहे हैं, और स्वामी जी के द्वारा बहुत अद्भुत वाणी के द्वारा आप लोग श्रवण करें आनंद से। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीता जय। रघुनंदन जय श्री हराम जय रघुनंदन। आप लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। रघुनंदन जय सिया राम। ज्ञानी की बल्लभ सीताराम, ज्ञानी की बल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ज्ञानी की वल्लभ सीता राम, ज्ञानी की वल्लभ सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय सिया राम बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सभी लोगों को आशीर्वचन दिया, और रामायण का सार तत्व उन्होंने संक्षेप में हम सभी लोगों को बताया। पूज्य महाराज जी ने, पूज्य स्वामी जी ने कहा कि श्री सीता जी के चरित्र से ही रामायण प्राणित है। इस रामायण में जो भी रस है, प्राण है, वो क्या है? बोले सीता जी का चरित्र है। यही हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया, और महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये संपूर्ण रामायण काव्य क्या है? बोले सीता जी का महान चरित्र। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। इसीलिए विद्वानों ने अपनी सूक्ति में कहा है कि रामायण का एक नाम है स्त्री प्रसंग। रामायण का एक नाम है स्त्री प्रसंग, और कहते हैं कि प्रातर द्यूत प्रसंगेन मध्यान्ने स्त्री प्रसंगतः, रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमता। बुद्धिमान व्यक्ति को अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहिए, तो
तो आचार्य जन कहते हैं कि प्रातः काल तो द्यूत प्रसंग में बिताओ। द्यूत माने जुआ। जुए का प्रसंग क्या है? बोले महाभारत। महाभारत का एक नाम है द्यूतक प्रसंग। तो प्रातः काल के सत्संग में द्यूतक प्रसंग होना चाहिए और मध्यान्ह स्त्री प्रसंगता और मध्यान्ह में स्त्री प्रसंग की चर्चा करनी चाहिए। स्त्री प्रसंग क्या है? बोले रामायण महाकाव्य, ये स्त्री प्रसंग है। और रात्रौ चोर प्रसंगे न, रात्रि में चोर प्रसंग। चोर प्रसंग क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। कन्हैया जो माखन चोर हैं उनकी जो कथा है वही चोर प्रसंग है। तो रात्रि में चोर प्रसंग और मध्यान्ह में स्त्री प्रसंग और प्रातः काल द्यूतक प्रसंग करते हुए व्यक्ति को अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो रामायण महाकाव्य स्त्री प्रसंग है। और जिस प्रकार से भगवान श्री रघुनंदन पुरुषोत्तम है उसी प्रकार से श्री जानकी जी नारियोत्तम है। सर्वलक्षण संपन्ना नारी नाम उत्तमा वधू। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सीता जी नारी नाम उत्तमा वधू, नारियों में उत्तम नारियोत्तम है। और नारियोत्तमा भगवती सीता का ही पवित्र पावन चरित्र रामायण काव्य। पूज्य स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सीता जी का भगवान से तीन बार वियोग हुआ। इसको हमारे यहां तीन विश्लेष कहते हैं, माने भगवान से जानकी जी का तीन बार विश्लेष हुआ। पहली बार बोले जब रावण श्री जानकी जी को लेकर के गया और दूसरी बार बोले जब भगवान ने लोकापवाद के भय से सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया तो ये दूसरा वियोग हुआ। और फिर जब महर्षि वाल्मीकि के यहां से लौट करके आई सीता जी तो पृथ्वी में प्रवेश कर गई, ये भगवान से सीता जी का तीसरा वियोग था। सीता जी का पूरी रामकथा में रामायण में तीन बार भगवान से वियोग हुआ। प्रथम विश्लेष, द्वितीय विश्लेष और तृतीय विश्लेष। और इन तीनों विश्लेषों में भगवती सीता के तीन दिव्य गुणों का प्रकाश हुआ। यही रामायण का मूल सूत्र है। इसी सूत्र को केंद्र में रखकर हमारे आचार्यों ने रामायण का चिंतन किया है। वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव मत के जितने सिद्धांत हैं सब रामायण से ही प्रकट हैं। रामायण वैष्णव सिद्धांत का मूल है। ये तीन विश्लेष जानकी जी का भगवान से जो हुआ, इन तीन विश्लेषों में जानकी जी के तीन गुण प्रकट हुए। कौन कौन से गुण? पहला गुण कृपा, दूसरा पारतंत्र और तीसरा अनन्यता, अनन्य शेषत्व। कृपा, पारतंत्र और अनन्यारहत्व, ये तीन गुण सीता जी के तीन वियोग में प्रकाशित हुए। और ये तीन गुण इतने महत्वपूर्ण गुण हैं, ये तीन गुण आचार्य में होते हैं। हमारे यहां पूर्वाचार्यों ने वर्णन किया है कि आचार्य में जब ये तीन गुण होते हैं तभी उन आचार्य के संबंध से जीव का उद्धार होता है। और श्री जानकी जी कौन है? बोले प्रथम आचार्य। हमारा जो संप्रदाय है श्री संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इसका प्रारंभ ही श्री जी से हुआ है। इस संप्रदाय की प्रथम आचार्य श्री जी हैं, इसलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा।
और आचार्य में तीन गुण होना चाहिए। पहला गुण कृपा, दूसरा पारतंत्र और तीसरा अनन्यार्हत्व। ये तीन गुण जब आचार्य में होते हैं तभी आचार्य के द्वारा जीव का उद्धार होगा। कृपा क्या है? बोले आचार्य बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, तपस्वी हो, लेकिन वो किसी जीव पर कृपा न करें, उपदेश न करें, स्वयं चल करके जा जा करके घूम घूम करके उपदेश दे करके समाज का कल्याण न करें तो आचार्य के द्वारा किसी जीव का कल्याण कैसे हो? तो कृपा उनके अंदर होगी, कृपा नाम का गुण होगा आचार्य के अंदर, तभी उस कृपा गुण के कारण वो उपदेश देंगे, नहीं तो काहे कोई किसी को उपदेश दे। हम पढ़ लिख लिए, हम सब जान गए, हम अपना जान गए, ठीक है हमारा काम हो गया, हम दुनिया का ठेका लिए कि हम दुनिया को उपदेश करके संसार की भक्ति में लगावें, भगवान की भक्ति में लगावें, सारे संसार का कल्याण का हमने ठेका ले रखा। ये विचार अगर आचार्यों में आ जाए तो किसी जीव का कल्याण नहीं होगा। लोग कहते हैं कि महाराज साधु बने भगवान का भजन करने के लिए तो जाओ जंगल में भजन करो, ये दुनियादारी क्यों कर रहे हो? दुनिया को प्रवचन सुनाना, कथा सुनाना, ये करना वो करना, ये बड़े बड़े आयोजन प्रयोजन। बोले तुम्हारी बात प्रथम दृष्टि से तो ठीक लगती, लेकिन विचार करो कि अगर सभी ज्ञानी महात्मा संत अपने ही कल्याण में लग जाएं और सबको छोड़कर जंगल में जाकर के उत्तराखंड में तप करने लग जाएं तो संसार कहां जाएगा? संसार को कौन मार्ग बताएगा? तो आचार्यों की कृपा है, कृपा नाम का गुण उनको प्रेरित करता है कि संसार के प्राणियों को मार्ग में लगाओ। तो आचार्य का पहला गुण है कृपा, और ये कृपा जब उनको प्रेरित करती है प्राणियों को उपदेश करने के लिए, भगवान के चरणों में लगाने के लिए, तो इस कृपा के परवश होकर आचार्यों को कष्ट भी सहना पड़ता। दूसरों को उपदेश देने में, संसार के प्राणियों का कल्याण करने में आचार्यों को कम कष्ट नहीं होता। कितने परिश्रम से पढ़ो, स्वाध्याय करो, फिर जगह जगह जाकर के उपदेश करो, विषम परिस्थितियों में भी यात्राएं करो, वहां कहीं अपमान होगा, कहीं सम्मान होगा, कहीं निरादर भी होगा, ये सब कुछ सहन करते हुए कितने लोग आलोचना भी करेंगे, प्रतिवाद भी करेंगे, लेकिन ये सब कुछ सहते हुए आचार्य लोग प्राणियों का कल्याण करते हैं। तो ये कृपा नाम का गुण आचार्य में होना चाहिए। तो जानकी जी प्रथम आचार्या हैं, इसलिए उनके अंदर जो कृपा नाम का गुण है वो प्रथम विश्लेष में प्रकट हुआ। जानकी जी भगवान से जब पहली बार अलग होती हैं, रावण के यहां जाती हैं लंका में, रावण उनका हरण करता। इस विश्लेष में, इस वियोग में जानकी जी का कृपा गुण प्रकाशित हुआ। कैसे? बोले जानकी जी स्वयं कृपा करके रावण के यहां जाती हैं, रावण उनको नहीं ले जाता, यही रहस्य है। रावण की इतनी हिम्मत, वो जानकी जी को ले जा पाए? जानकी जी कौन है? बोले उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, जो उद्भव स्थिति और संहार की कारिणी है, ऐसी श्री जानकी जी को रावण की मजाल की वो उठा ले जाए। वो स्वयं कृपा करके रावण के यहां जाती है। क्यों? बोले जानती है कि भगवान लंका तक नहीं जाएंगे, और अगर भगवान लंका तक नहीं गए तो लंका के उन पामर प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं अगर जाऊंगी तभी प्रभु वहां जाएंगे, तब उन प्राणियों का कल्याण होगा। तो उन प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान से अलग होकर के जानकी जी दुख सहन करती हैं और लंका जाती हैं, रावण उनको नहीं ले जा सकता। और जानकी जी ने स्वयं कहा है लंका में
जानकी जी को ले जाने के बाद रावण ने कहा कि मेरी बात मान लो तो मेरी पत्नी बन जाओ, 5000 दासियां 5000 रानियां तुम्हारी सेवा करेंगी और ये सारा साम्राज्य तुम्हारा होगा। तो श्री जानकी जी ने रावण से कहा, रावण मैं चाहूं तो तुमको अभी भस्म कर सकती हूं। नत्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्थ तेजसा। जानकी जी कहती है, दशग्रीव मैं अपने तेज से तुम्हें चाहूं तो अभी भस्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। ऐसा सामर्थ्य होते हुए भी रावण जैसे अत्याचारी को जानकी जी भस्म नहीं करती। क्यों? बोले उनके अंदर कृपा है कि शायद ये सुधर जाए, शायद इसके अंदर समझदारी आ जाए और प्रभु की शरणागति कर ले तो इसका कल्याण हो जाए। जानकी जी ने रावण को उपदेश भी किया, यही तो कृपा है जानकी जी। आचार्यों के अंदर यही कृपा नाम का गुण होना चाहिए। जो व्यक्ति उपदेश सुनने को तैयार नहीं है, उपदेश देने वाले को ही दुख देने को तैयार है, उसको भी जो उपदेश दे करके भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करे, ऐसी कृपा जिसके अंदर हो वही तो आचार्य। जानकी जी रावण को भी उपदेश करती कहती हैं कि तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ, उनकी शरणागति कर लो, उनकी शरण में जाने पर तुम्हारा कल्याण होता है। और डरो मत, तुम्हारे जितने अपराध हैं वो प्रभु क्षमा कर देंगे, वो परम कृपालु हैं, उनकी शरण में जाने पर तुम्हारे सारे अपराध क्षम्य हो जाएंगे। ऐसा सुंदर उपदेश भी जानकी जी ने रावण को दिया, यही जानकी जी का कृपा नाम का गुण है। और कितनी कृपा, लंका की जिन राक्षसियों ने भगवान की शरणागति भी नहीं की, जानकी जी से अपनी रक्षा की प्रार्थना भी नहीं की, उन राक्षसियों की भी जानकी जी रक्षा करते हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे रावण वध के पश्चात, तो हनुमान जी ने कहा कि मां आपकी आज्ञा हो जाए तो इन राक्षसियों का मैं चित्र वध करूं।